देखो इंडियन सोसाइटी चालू कर रहे हैं अपन, इंडियन सोसाइटी, ठीक है ना। तो अब ये क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है भाई, क्यों दिया गया इसको सिलेबस में, क्यों पढ़ना जरूरी है ना। तो भाई इसका नीड क्या है, क्यों ज़रूरत होती है हमको ये सोसाइटी पढ़ने की भाई। ये इसलिए ज़रूरी हो जाती है कि आप कल को एक सिविल सर्वेंट बनोगे तो आपको सोसाइटी की क्या पर्सपेक्टिव है उसके बारे में, सोसाइटी के बारे में एक पर्सपेक्टिव जब रहेगा ही नहीं कुछ, तो फिर आप सोसाइटी को कैसे समझोगे। तो सबसे पहला क्यों ज़रूरी होता है कि भाई इसलिए ज़रूरी हो जाती है ताकि हम एक पर्सपेक्टिव डेवलप कर सकें, है ना। हम एक पर्सपेक्टिव बना सकें किसका, सोसाइटी को लेकर के, ठीक है ना। ये हमारे हमारे दिमाग में क्या पर्सपेक्टिव है इंडियन में, जो इंडियन सोशल सिस्टम है उसको लेकर के। इंडिया के सोशल सिस्टम के बारे में आपको कुछ पता नहीं रहेगा तो आप क्या, आपका पर्सपेक्टिव नहीं रहेगा तो आप ढंग से कहाँ अच्छे से काम कर पाओगे। तो सबसे पहला एक पर्सपेक्टिव बनाना, वो पर्सपेक्टिव काहे से, ऑन इंडियन सोशल सिस्टम, कि भाई इंडियन सोसाइटी बोल लो आप, इंडियन का जो पूरा सोशल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, कैसा काम करता है, ठीक है ना। जब आपके बारे में उसके बारे में आइडिया नहीं रहेगा तो फिर आप अच्छे से काम नहीं कर सकते। तो इसीलिए किसी भी चीज़ को समझने के पहले हम क्या करते हैं, एक पर्सपेक्टिव बनाते हैं। तो इसीलिए इंडियन सोसाइटी को समझना ज़रूरी हो जाता है ताकि हमारे दिमाग में एक पर्सपेक्टिव बने कि इंडिया की सोसाइटी कैसी है, इंडिया का जो सोसाइटल स्ट्रक्चर है वो कैसे काम करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट गवर्नमेंट और जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, है ना, ऑफिशियल जो सिविल पब्लिक ऑफिशियल्स जो होते हैं प्लस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सेंसिटाइज कब होगी, जब वो सोसाइटी के बारे में जानेगी जब होगी ना। तो भाई अगर वो सेंसिटाइज ही नहीं है सोसाइटी के प्रति, है ना, गवर्नमेंट और जो भी सिविल सर्वेंट हैं, ठीक है ना, तो वो जब सोसाइटी के प्रति सेंसिटाइज नहीं रहेंगी तो फिर क्या एक्शन लेंगी, क्या पॉलिसीज बनाएंगी वो। तो इसीलिए दूसरा ज़रूरी हो जाता है कि भाई हमको क्या करना है, सेंसिटाइज करना है ना। हमको सेंसिटाइज किसको करना है, हमको सेंसिटाइज करना है गवर्नमेंट को, पब्लिक ऑफिशियल्स को, ठीक है ना। काहे से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड, विथ रेस्पेक्ट टू सोसाइटी, है ना, सोसाइटी से रिलेटेड, ठीक। तो इसलिए हमको ज़रूरी हो जाता है उसको पढ़ना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट इनको सर्विस डिलीवरी करेगी, है ना, क्या करेगी, सर्विस डिलीवरी करेगी। सर्विस डिलीवरी मतलब कौन से एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ गवर्नेंस। हम क्या करेंगे, गवर्न करेंगे इनको, गवर्नेंस, है ना। और ये गवर्नेंस को किसको कर रहे हैं हम, ये सोसाइटी के लिए ही तो कर रहे हैं, है ना, सोसाइटी के लिए ही तो गवर्नेंस कर रहे हैं। और गवर्नेंस अगर आप चाहते हो कि गुड गवर्नेंस हो, ये गवर्नेंस गुड गवर्नेंस में हो, तो भाई सोसाइटी का जरूरी हो जाएगा ना कि भाई आपको सोसाइटी के बारे में जब आइडिया नहीं रहे, है ना, उसकी प्रॉब्लम्स, ये सोसाइटी की प्रॉब्लम्स के बारे में आपको नहीं पता। मान लो आप पॉवर्टी इरेडिकेशन की एक स्कीम ला रहे हो और सोसाइटी के से अनजान हो, तो क्या आप उसको बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो वही बोल रहा है कि भाई अगर हम चाहते हैं कि सोसाइटी को बेटर तरीके से गवर्न करना, तो फिर हमको ज़रूरी हो जाता है कि सोसाइटी की जितने भी बेसिक टेनेंट्स हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, है ना, जो भी सोसाइटी को अफेक्ट करती है वो सारे फैक्टर्स के बारे में हमको थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए, समझना क्या। इसलिए हम क्या करते हैं, सोसाइटी को पढ़ते हैं, क्लियर है। तो सोसाइटी को पढ़ना इसलिए ज़रूरी हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो पढ़ते क्या क्या है, वॉट टू स्टडी, है ना, वॉट टू स्टडी क्या पढ़ा जाता है। देखो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, जैसे कि पहले हम साइलेंट फीचर पढ़ते हैं इंडियन सोसाइटी में, है ना, साइलेंट फीचर्स, इंडिया के सोसाइटी के जो भी हैं साइलेंट फीचर्स उनको समझते हैं, ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है। कि जैसे कि भाई हायरार्की बेस्ड स्ट्रक्चर होता है, कास्ट बेस्ड सोसाइटी होती है, वर्ण सिस्टम वगैरह, ये सब आपको थोड़ा सा समझना पड़ता है कि आखिर इंडिया की सोसाइटी किस दम पे चलती है, वो बेसिक फैक्टर्स कौन से होते हैं जो इंडियन सोसाइटी को चलाते हैं, समझ में क्या। फिर हमको क्या देखना रहता है, हमको एक एंगल देखना रहता है वुमेन से रिलेटेड, है ना, वुमेन से रिलेटेड जो भी इसकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी वुमेंस का इश्यूज हैं, ठीक है ना, फिर जो भी वुमेंस के रोल्स होते हैं, ठीक है ना, रोल ऑफ वुमेन, ठीक है ना, और इसके अलावा वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के जो रोल होते हैं, रोल ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप में अभी हमने समझा था रोल ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, इनका भी रोल इसी वुमेन से ही एंगल
बना करके आप बोल दो कि हाँ भाई वुमेन से रिलेटेड सारी चीज़ें हमको समझ नहीं रहती है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं ये जो इफेक्ट होता है, जो ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट होता है, ये सब हम इसमें पढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन काहे में भाई, हमारी इंडियन सोसाइटी पर क्या इफेक्ट होता है, ऑन इंडियन सोसाइटी, ये हमको समझना पड़ता है कि इंडियन सोसाइटी पर क्या इफेक्ट होता है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का। अब इंडियन सोसाइटी में देखते हैं तो अलग अलग एंगल से हम समझ लेंगे कि फैमिली पर क्या अफेक्ट होता है, इंडिविजुअल पर क्या इफेक्ट होता है, फिर एज अ सोसाइटी क्या कैसा इम्पेक्ट करता है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट एक कंसेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं भाई सोशल एम्पावरमेंट। सोशल एम्पावरमेंट का कंसेप्ट, सोशल एम्पावरमेंट मतलब ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग और वल्नरेबल सेक्शन और जो वीकर सेक्शन होता है उसके अपलिफ्टमेंट में जो भी चीज़ें की जाती है वो सब हम देखते हैं इसमें, जैसे रिजर्वेशन वगैरह चीज़, ये सब कायम में आ जाती है, सोशल एम्पावरमेंट में आ जाती है। नेक्स्ट एक टॉपिक पढ़ते हैं हम इसमें जिसको बोलते हैं कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म ठीक है, रीजनलिज्म और सेकुलरिज्म, ठीक, सेकुलरिज्म, रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, कैसे ये हमारे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट करती हैं, क्या होती हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कैसे हमारे ये थ्रेट हो सकती है हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, ये सब चीज़ें इसमें देखी जाती है, समझना क्या, कि भाई ये कैसे हमारी सोसाइटी को अफेक्ट करता है, हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप को अफेक्ट करता है, कैसे हमारी नेशनल इंटीग्रिटी और नेशनल सिक्योरिटी को वो कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं इसी में, हम पढ़ते हैं पॉपुलेशन रिलेटेड इशूज, है ना, पॉपुलेशन रिलेटेड इशूज, उससे उससे जो एसोसिएटेड इशूज़ हैं उसको हम समझते हैं। नेक्स्ट इसी में पढ़ते हैं हम पॉवर्टी, ठीक है ना, पॉवर्टी भी इसी में ही हम समझते हैं क्या पॉवर्टी है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट डेवलपमेंटल इशूज पढ़ते हैं हम, डेवलपमेंटल रिलेटेड सरकार क्या काम कर रही है, उसमें से रिलेटेड क्या क्या इशूज़ होते हैं वो सब देखा जाता है ना, वही इनकी प्रॉब्लम्स और रेमेडीज, है ना, उनका सॉल्यूशन, क्लियर है ना। तो इतनी चीज़ें हमको सोसाइटी में थोड़ा सा समझनी है, क्लियर है ना। वुमेन का एक सेपरेट समझ लो कि एक पूरा टॉप, एक चैप्टर वुमेन के ऊपर पढ़ना है आपको, एक चैप्टर आपको ग्लोबलाइजेशन के ऊपर पढ़ना है, एक चैप्टर आपको इंडियन सोसाइटी के ऊपर पढ़ना है कि भाई इंडियन सोसाइटी के क्या फीचर्स होते हैं, कैसे वो चेंजेस हो रहे हैं, समझ में आ गया। नेक्स्ट एक चैप्टर एक पार्ट में ये पढ़ना है आपको सोशल एम्पावरमेंट वाली चीज़ें पढ़नी है, ठीक है ना, ये क्या है, करंट ओरिएंटेड रहता है, ठीक है ना, मोस्टली सब कुछ वैसे ही कर सोसाइटी, इसमें दोनों सेक्शन है, स्टैटिक, जैसे ये वाला स्टैटिक पोर्शन होगा, लेकिन ये रोल ऑफ ग्लोबलाइजेशन ये सब क्या है, डायनामिक पोर्शन होता है, हर दिन नए नए आर्टिकल आते हैं, आपको वहाँ से भी अपडेट रहना पड़ेगा। अब जैसे देखो पॉपुलेशन रिलेटेड, कोविड 19 का जो आउटब्रेक है उसके कारण पॉपुलेशन पॉवर्टी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है ना, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा बोली जा रही, और पॉवर्टी लाइन जो थी और हमारे यहाँ जो पॉवर्टी की संख्या थी पुअर लोगों की, वो सब बढ़ जाएगी, माइग्रेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही, तो ये सब चीज़ें क्या है, डायनामिक उससे एसोसिएटेड हो गया, अचानक से अभी तक ये स्टैटिक पोर्शन था, अब डायनामिक में कन्वर्ट हो गया। तो कभी भी कुछ भी चीज़ हो सकता है, आप थोड़ा सा समझ के चलना कि भाई कहाँ पे क्या करना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेगुलर अपडेट भी रहना पड़ेगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ये चीज़ अपने दिमाग में बसा के चलना, ठीक है, क्लियर है। तो क्या पढ़ना है इसका, मैंने एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया है आपको, इसके अंदर चल के अपन को वन बाई वन करके सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी, ठीक है ना, बोलो समझ में क्या। अब देखो अगर मैं बात करूं इंडियन सोसाइटी की, है ना, ये है इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी को कैसे पढ़ेंगे, इंडियन सोसाइटी को पढ़ना है आपको, पहला क्या कंसेप्ट क्या होता है, क्या होता है कंसेप्ट, कंसेप्ट मतलब जिसमें हम सोसाइटी देखेंगे क्या होता है, सोसाइटी के अलावा स्टेट क्या होता है, फिर नेशन क्या होता है ना, फिर कंट्री क्या होता है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है ना, कंसेप्ट समझेंगे, फिर देखेंगे भाई वापस से अपन सोसाइटी पे ही स्टिक हो जाएंगे पहले डिफरेंसेस समझने के बाद, फिर क्या देखेंगे कि भाई इनका जो बेसिक फीचर्स होते हैं इंडियन सोसाइटी के, है ना, बेसिक एट्रीब्यूट्स जो हैं, ठीक है ना, वो जो बेसिक एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या हैं, एट्रीब्यूट्स मतलब होता है गुण, बेसिक गुण क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स, ठीक है ना, बेसिक एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी ये समझेंगे, ठीक है ना।
फिर नेक्स्ट देखेंगे कि भाई ये जो सोसाइटी होता है उसके डायमेंशंस देखेंगे। डायमेंशंस में क्या देखेंगे? डायमेंशंस में देखेंगे स्ट्रक्चर, सोसाइटी का कैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। फिर देखेंगे कल्चरल पॉइंट, कल्चरल डायमेंशन उसका, कल्चरल डायमेंशन में सोसाइटी। अब देखो यहाँ पर जैसे हम बेसिक एट्रीब्यूट्स ऑफ सोसाइटी की बात करते हैं, तो बेसिक एट्रीब्यूट्स में हम क्या देखते हैं कि भाई टेरिटरी क्या है, ठीक है ना। एक डेफिनेट टेरिटरी में रहते हैं, सोसाइटी की एक डेफिनेट टेरिटरी होती है, ठीक है ना। जैसे कि भाई इंडियन सोसाइटी को बोलेंगे, इंडियन सोसाइटी में हम बोलेंगे कि भाई वेस्टर्न सोसाइटी में जैसे हम बोलते हैं यूएस की अलग सोसाइटी है, तो भाई उसमें एक टेरिटरी है ना कि भाई वो यूएस है, उसके अंदर ऐसी सोसाइटी फ्लरिश हो रही है, उसमें ये वैल्यूज़ रहती हैं। तो बेसिक एट्रीब्यूट्स में क्या, सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में एक डेफिनेट टेरिटरी होगी, हर सोसाइटी की एक डेफिनेट टेरिटरी होती है। जैसे भाई बोलें राजस्थानी का, राजस्थानी जो सोसाइटल कल्चर है वो अलग होगा, मतलब वो एक डेफिनेट टेरिटरी की बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, प्रोजेनी की बात करेंगे हम वहाँ पर, ठीक है ना। सोसाइटी में प्रोजेनी होगा मतलब रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्शन मतलब ये जो आगे फॉरवर्ड होगी ये सारी चीज़ें। अगर प्रोजेनी नहीं होगा तो सोसाइटी आगे फॉरवर्ड नहीं करेगी, मूव नहीं करेगी, समझा गया ना। तो वो भी उसका बेसिक एट्रीब्यूट हो जाता है। नेक्स्ट उनके बीच में कॉमन कल्चर होगा, जैसे राजस्थानी है तो उनका कल्चर आप देखो अलग रहेगा, है ना, और लेकिन वो आपस में उनका कल्चर सेम होगा, समझा गया। नेक्स्ट इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस होता है उनका, किसी से कुछ लेना देना नहीं है ना, हारमनी में हो सकती हैं बट एग्जिस्टेंस तो उनका इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बात कर रहा हूँ मैं, नेक्स्ट बात कर रहा हूँ मैं स्ट्रक्चर की, ठीक। स्ट्रक्चर में हम इंस्टीट्यूशंस देखते हैं, जैसे फैमिली हो गई, जॉइंट फैमिली हो गई, इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं। स्ट्रक्चर में हम ग्रुप की बात करते हैं, स्ट्रक्चर में हम स्टेटस की बात करते हैं, फिर उनके रोल की बात करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, कल्चर में क्या देखते हैं हम, कल्चर में हम देखते हैं वे ऑफ लाइफ वैल्यूज, ठीक है, उनकी आइडियोलॉजीज, ये सब कल्चरल एस्पेक्ट को दिखाती है, ठीक है ना, उनका बिलीफ सिस्टम, क्लियर है। फिर वहीं पे हम बात करते हैं कि साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी क्या है, साइलेंट फीचर्स की बात करेंगे, ठीक। साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की जब बात करें तो इसमें ही हम देखेंगे भाई क्या क्या फीचर्स हैं, वो सब हम समझेंगे, ठीक। वो अलग चीज़ हो जाएगा, साइलेंट फीचर मतलब बहुत विशेष फीचर होते हैं जिन पर इंडियन सोसाइटी डिपेंडेंट है, समझ गया, तो वो हम समझेंगे, ठीक है ना। फिर देखेंगे भाई डायनामिक, इसमें डायनामिज्म क्या है, सोसाइटल डायनामिज्म मतलब क्या होता है, सोसाइटी चेंज हो रही है ना, पहले कुछ और थी, आज कुछ और चेंज हो रही है, किस कंटेक्स्ट, यहाँ पे समझो, सोसाइटल डायनामिज्म मतलब सोसाइटी चेंज हो रही है, तो उसमें फिर देखेंगे कि भाई किस कंटेक्स्ट में चेंज हो रही है ना, कंटेक्स्ट ऑफ चेंज, ठीक है ना। फिर देखते हैं सोर्स ऑफ चेंज, कौन सी चीज़ें हैं जो चेंज कर रही है, ये सोर्स ऑफ चेंजेस। नेक्स्ट डायरेक्शन ऑफ चेंज, मतलब किस डायरेक्शन में ये चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है ना, ये सब हमको समझना है कि हमारी सोसाइटी चेंज हो रही है, जैसे ग्लोबलाइजेशन एक फैक्टर है जो हमारी सोसाइटी को चेंज कर रहा है, ठीक है ना, ठीक। कंटेक्स्ट ऑफ चेंज में क्या देख रहे हैं, किस कंटेक्स्ट में चेंज हो रहा है, मतलब स्ट्रक्चरल लेवल में चेंज हो रहा है, कल्चरल लेवल में किस कंटेक्स्ट में कैसे चेंज हो रहा है, ये सब हम पढ़ते हैं, समझा क्या, क्लियर है। सोर्स ऑफ चेंज मतलब सोर्स में भी देख लेंगे क्या है, आगे आप समझ जाओगे, अभी इतना ज़्यादा लोड मतलब अभी बस इतना आपको क्लियर हो जाए कि हाँ भाई इसमें ओवरऑल पहले एक समरी पता चल जाए कि भाई हाँ ऐसे कुछ आपको अप्रोच रखनी है, ठीक है। तो अपन चालू करते हैं, सबसे पहले सोसाइटी है क्या, पहले कंसेप्ट समझते हैं, कुछ कंसेप्ट है ना, जैसे कि एक कंसेप्ट है जिसके की सोसाइटी किसको बोलते हैं, क्या होती है सोसाइटी, ठीक है। तो ये समझना है सबसे पहले कि सोसाइटी आखिर क्या है। तो अब समझते हैं कि सोसाइटी क्या है। तो सोसाइटी एक तरीके का क्या है, इसको हम बोल देते हैं एक वेब है, वेब है किसका, सोशल रिलेशनशिप का, ठीक है ना। सोसाइटी क्या है एक तरीके का, सोसाइटी एक नेटवर्क है, नेटवर्क बोले तो एक वेब है ना, वेब एक जाल है, काहे का, वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप,
लेकिन यहाँ से आपको इसको एक्सपांड करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि भाई ये सोशल रिलेशनशिप का वेब क्यों बोल रहा है इसको, ठीक है ना। अब ये समझना है, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि सोसाइटी एक क्या है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ग्रुप बोल लो या कम्युनिटी बोल लो, है ना, कम्युनिटी है या ग्रुप है, काहे का ऑफ पीपल, जो कि क्या करते हैं एक पर्टिकुलर निश्चित रीजन में रहते हैं, है ना, जो कि कहाँ रहते हैं, लिविंग इन पर्टिकुलर रीजन, एक निश्चित क्षेत्र पर रहते हैं, एक साथ रहते हैं, पर्टिकुलर रीजन, है ना, जिस रीजन में ये रहते हैं वहाँ पर क्या होगा, शेयर्ड कस्टम होगा, है ना भाई, जो भी कस्टम ट्रेडिशंस होते हैं वो आपस में शेयर करते हैं, शेयर्ड कस्टम, समझ गए, जो भी लॉज हैं, कस्टमरी लॉज हो सकते हैं, सोशल लॉज हो सकते हैं, रिलीजियस लॉज हो सकते हैं, है ना, नॉर्मल लॉज हो सकते हैं, जो आप जानते हो जिन लॉज का मतलब, जो पॉलिटिकल लॉज होते हैं, ठीक है ना, शेयर्ड कस्टम होगा, लॉज होंगे एंड ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं कि ये क्या होती है सोसाइटी, मतलब क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल, मान लो ये एक एरिया है, ये एक रीजन है, है ना, इस रीजन में कुछ लोग रह रहे हैं, ठीक है, ये रीजन रह रहे हैं, और इनका कस्टम ट्रेडिशन बिलीफ सिस्टम लगभग लगभग ऑलमोस्ट सेम है, ये वही वही कस्टम ट्रेडिशन बिलीफ सिस्टम को फॉलो करते हैं, इन पे वही सारे लॉज एप्लीकेबल हैं, है ना, यूनिफॉर्मिटी है इन इन चीज़ों को लेकर के, कल्चरली यूनिफॉर्म है, सोशली यूनिफॉर्म है, तो मैं क्या बोल दूंगा, ये एक सोसाइटी है, क्लियर है, ये एक सोसाइटी है, समझ में आ गया, तो समझ में आ गया ना सोसाइटी का मतलब क्या है, सोसाइटी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ कम्युनिटी या फिर लोग पीपल, जिसको हम लोगों का समूह बोल रहे हैं, जो कि एक कॉमन रीजन पर रहते हैं, पर्टिकुलर रीजन पर रहते हैं, और वहाँ पर वो अपने कस्टम लॉ ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिशंस बिलीफ सिस्टम सबको कॉमनली शेयर करते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, सोसाइटी बोल देते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें सोसाइटी, ये वर्ड कहाँ से आया है, सोसाइटी ये जो वर्ड है ना, ये जो वर्ड है सोसाइटी, ये आया है कहाँ से, सोशियस, इसका मतलब क्या है, सोशियस का मतलब होता है कि भाई कंपेनियनशिप, कंपेनियन समझते हो ना, फ्रेंडशिप जिसको बोलते हैं, कंपेनियनशिप इसका मतलब होता है, या फिर फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप का मतलब क्या होता है, आपस में मिलजुल कर रहना, है ना, और अपने जो भी इंटरेस्ट हैं उनको कॉमनली शेयर करना, तो सोसाइटी में भी यही होता है, अपने जो सोशल इंटरेस्ट होते हैं, कल्चरल इंटरेस्ट होते हैं, वो कॉमनली शेयर किए जाते हैं, ठीक है ना, तो इसी को ही हम क्या बोल देते हैं कि भाई ये है सोसाइटी, ठीक है। मतलब मैं और टेक्निकल डेफिनेशन में अगर बात करूँ तो सोसाइटी क्या है, इसको मैं बोल सकता हूँ ये सम है, सम ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर, लिविंग टुगेदर इन अ मोर और लेस ऑर्डर्ड कम्युनिटी, ऑर्डर्ड कम्युनिटी, ठीक। मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो एक डेफिनेट स्ट्रक्चर्ड कम्युनिटी में सर्वाइव करते हैं, रहते हैं, अपने इंटरेस्ट शेयर करते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, सोसाइटी बोल देते हैं, क्लियर है सोसाइटी का मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसको सम अप करते हैं, सोसाइटी क्या है, तो मैं बोल सकता हूँ ये एक वेब है, मतलब एक नेटवर्क है, नेटवर्क काहे का है, ऑफ सोशल रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप, ठीक है ना, जो कि काहे कैसे डेवलप किया गया है, ये जो सोशल रिलेशनशिप है ये डेवलप किया गया है, कैसे, ये जो रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, ये जो सोशल रिलेशनशिप है ना, ये डेवलप्ड है, कैसे डेवलप्ड है, डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक पैटर्न इंटरेक्शन होता है बिटवीन इट्स मेंबर, ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न इंटरेक्शन बिटवीन इट्स मेंबर्स, है ना भाई, पैटर्न इंटरेक्शन होता है, ये बात समझो, पैटर्न मतलब एक पैटर्न फॉलो होता है, जैसे कि मान लो कि भाई ये एक व्यक्ति है, है ना, ये जब अपने पीयर मतलब अपने दोस्त के साथ इंटरेक्ट करेगा तो डिफरेंट वे में इंटरेक्ट करेगा, लेकिन ये जब अपने पिताजी के साथ इंटरेक्ट करेगा तो डिफरेंट वे में रिएक्ट करेगा, ये जब अपने दादाजी के साथ इंटरेक्ट करेगा तो डिफरेंट रिएक्ट करेगा, मतलब क्या होता है इसमें, ये जो
अलग अलग पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन होता है, समझना कि भी इंटरेक्शन सब में सेम नहीं होता, सोसाइटी में इंटरेक्शन अलग अलग लोगों से अलग अलग इंटरेक्शन होंगे, आप अपने दोस्त से अलग वे में इंटरेक्ट करते हो, दूसरे लोगों से अलग वे में इंटरेक्ट किया जाता है, एनवायरनमेंट के साथ आपके रिलेशन अलग होते हैं, फैमिलीज के साथ आपके रिलेशन अलग होते हैं, कॉरपोरेट के साथ आपके रिलेशन अलग होते हैं, आपका इंटरेक्शन अलग होता है। तो वही ये बोल रहा है कि सोसाइटी क्या है, लेकिन इन सब में क्या है, देखो ये एक पूरा नेटवर्क है, नेटवर्क है ना, सब में क्या हो रहा है, आपका इंटरेक्शन ही हो रहा किसी ना किसी से, तो क्या हो गया, इंटरेक्शन होगा, लेकिन इंटरेक्शन कैसा, सब में अलग अलग, मतलब एक पैटर्न वाइज इंटरेक्शन होता है, समझना क्या। और पूरा अगर हम देखें तो ये एक तरीके का नेटवर्क ही तो है भाई, ये आप किसी से भी इंटरेक्ट कर रहे हो, पूरा एक वेब बन रहा है कि नहीं, चेन बन रही है कि नहीं, तो भाई ये एक तरीके की चेन है, एक तरीके का वेब है, एक तरीके का नेटवर्क है, काहे का सोशल रिलेशनशिप, आपका दोस्त के साथ रिलेशनशिप अलग होगा, पिता के साथ अलग होगा, माता के साथ अलग होगा, मतलब इनमें क्या होते हैं, एक रिलेशनशिप ही होता है सब, क्लियर है। तो ये कहलाती है सोसाइटी, क्लियर है ना सोसाइटी की डेफिनेशन, ठीक है। अब आप समझो एक कंसेप्ट जिसको बोलते हैं हम कि भाई आप थोड़ा सा समझते हैं, स्टेट क्या होता है, नेशन क्या होता है, कंट्री क्या होता है, समझा गया, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं स्टेट की, स्टेट क्या होता है, देखो सबसे पहले स्टेट की बात करें, ठीक ठीक है, और एक तरफ है ये नेशन है, इन दोनों में क्या फर्क होता है ये समझो आप सबसे पहले, ठीक। अब जो स्टेट होता है उसको बोला जाता है वो एक पॉलिटिकल कंसेप्ट होता है, पॉलिटिकल कंसेप्ट, ठीक है ना, और ये जो होता है उसको बोलते हैं, ये एक तरीके का पॉलिटिकल नहीं है, ये एथनिक कंसेप्ट, एथनिक कंसेप्ट। आप समझते हैं कि पॉलिटिकल कंसेप्ट और एथनिक कंसेप्ट हम क्यों बोल रहे हैं, ठीक है ना, इधर पे आओ वापस, ठीक है ना। स्टेट को समझो, स्टेट में ना ऑब्जेक्टिविटी होती है ना, ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट है। ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट कैसे है, देखो स्टेट के चार डायमेंशन होते हैं, हैज फोर डायमेंशन, हम ऑब्जेक्टिव के आधार पर सब कुछ बताते हैं, स्टेट को डिफाइन करते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब समझ रहे हो ना, ऐसी पैरामीटर्स जो कि फिक्स्ड पैरामीटर होते हैं, उसमें सब्जेक्टिविटी नहीं होती। जैसे मैंने बताया प्रीलिम का आप क्वेश्चन देते हो, प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन देते हो और मेंस के जो आप आंसर लिखते हो उसमें फ़र्क होता है। प्रीलिम्स में जो है वही है ना, उसमें इंटरप्रिटेशन नहीं चलता है, एग्जैक्ट वही चीज़ होनी चाहिए। मेंस में आप इंटरप्रेट करके अपनी सब्जेक्ट से, अपनी समझ से लिखते हो, तो उसमें क्या होता है, उसी चीज़ का अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग मीनिंग होता है ना, लेकिन ऑन द बेसिस प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल सेम होते हैं, तो उसमें सब्जेक्टिविटी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टेट पॉलिटिकल कंसेप्ट होता है और उसमें ऑब्जेक्टिविटी है, मतलब ये सारी चीज़ होगी जब भी हम जा कर के स्टेट को, किसी भी चीज़ को स्टेट बोल सकते हैं। कौन कौन सी चीज़, पहला बोला जाता है कि भाई उस स्टेट के पास एक डेफिनेट टेरिटरी होनी चाहिए, एक एरिया होना चाहिए, मतलब टेरिटरी होनी चाहिए, ठीक है ना। टेरिटरी नहीं है तो हम उसको स्टेट नहीं बोल सकते, जैसे कि आपके पास अलग चीज़ हो सकती है बट टेरिटरी अगर देखेंगे अभी, बाकी तीन चीज़ें क्या हैं पहले समझ लेते हैं फिर बाद में इसको देखें। दूसरा क्या है, दूसरा है पॉपुलेशन होनी चाहिए, मतलब ये टेरिटरी है उसके अंदर लोग रहना चाहिए, है ना, उसके अंदर लोग रह रहे हों, ठीक है ना, पॉपुलेशन होनी चाहिए, ठीक है ना। प्लस थर्ड होता है उन पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है ना, गवर्नमेंट जो उन पर क्या करेगी, रूल करनी चाहिए, ठीक, उस पर क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, ये जो गवर्नमेंट होनी चाहिए, जो गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ये कैसी होनी चाहिए, ये सोवरेन होनी चाहिए। सोवरेन होनी चाहिए मतलब बाहर से इस पर किसी का भी इन्फ्लुएंस ना हो, मतलब ये नेसेसरी कंडीशन होती है। अगर ये चार चीज़ है तभी हम उसको स्टेट बोलेंगे। इंडिया में ये चार चीज़ है, इंडिया की टेरिटरी है, हाँ टेरिटरी है, इंडिया में पॉपुलेशन है, हाँ पॉपुलेशन है, इंडिया में गवर्नमेंट है, हाँ है। क्या गवर्नमेंट बाहर किसी पर डिपेंड हो रही है, किसी कोई इन्फ्लुएंस कर सकता है उसको, नहीं, तो इंडिया क्या है, सोवरेनिटी भी। तो भाई चौथा क्या बोलता है, सोवरेनिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट, तभी हम उसको स्टेट बोलते हैं। और ये देखो इसमें सारी चीज़ें कहे से लेकर के बता है, मतलब पॉलिटिकल एंगल है इसमें, तो इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, पॉलिटिकल कंसेप्ट होता है, समझ में आ गया ना। तो स्टेट में ये चार एसेंशियल कंडीशन होनी चाहिए। आप एग्जांपल लेते हैं, सहारा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट
टेरिटरी होगी उसकी? हाँ टेरिटरी है। लोग रह रहे हैं क्या उसमें? मान लेते हैं कि अभी अभी के लिए भाई कुछ एरिया में रहते होंगे, है ना, कुछ एरिया में रहते होंगे, तो चलो मान लेते हैं कि भाई रहते हैं, ठीक है ना। फिर मान लेते हैं क्या सहारा डेजर्ट को चलाने के लिए गवर्नमेंट है? नहीं है, उसके लिए तो कोई गवर्नमेंट नहीं है, तो फिर क्या इसको स्टेट बोलोगे आप? नहीं। हाँ हो सकता है कि सहारा डेजर्ट अलग अलग स्टेट में फैला हुआ हो, तो अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट मिल करके उसको चला रही होगी, तो वो बात अलग हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बोलूँ कुछ, जैसे आप समझते हैं अंटार्कटिका है ना, अंटार्कटिका बेस्ट एग्जांपल, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में क्या है, टेरिटरी है? हाँ टेरिटरी तो है। अंटार्कटिका में पॉपुलेशन है? पॉपुलेशन नहीं है। अंटार्कटिका में क्या गवर्नमेंट है? गवर्नमेंट भी नहीं है। गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट भी नहीं है। फिर अंटार्कटिका में पॉपुलेशन नहीं है, अंटार्कटिका में गवर्नमेंट नहीं है, फिर क्या नहीं है बाकी चीज़ क्या बच गई? सोवरेनिटी। जब गवर्नमेंट ही नहीं है तो सोवरेनिटी की बात ही खत्म। तो क्या अंटार्कटिका को आप स्टेट बोल सकते हो? नहीं, ये स्टेट नहीं है, समझ गए। तो स्टेट हम किसको बोलते हैं जिसमें ये एलिमेंट्स मिले, ठीक। वापस आओ यहाँ स्टेट में। यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये एक तरीके का पॉलिटिकल कंसेप्ट होता, मतलब इसमें क्या होगा, एक डिफाइंड टेरिटरी होगी, डिफाइंड टेरिटरी होगी। ये क्या होगा, सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल कंट्रोल है कि नहीं है? ये नॉट सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल कंट्रोल होता है, नॉट सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल कंट्रोल, ठीक है ना। अब स्टेट हो सकता है बहुत सारे नेशन से मिलकर के बनाओ, है ना, मे बी कंपोज ऑफ सेवरल नेशन। इस पर वापस अभी आ रहा हूँ मैं, जब नेशन बताऊँगा तब आपको समझाऊँगा ये क्या है, ठीक है ना। स्टार मार्क करो इसमें। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, इसमें एक डिफाइंड टेरिटरी है, ये भी बोल दिया। डिफाइंड के साथ साथ फिक्स टेरिटरी होगी इसमें, है ना, फिक्स टेरिटरी होती है स्टेट की, ठीक है ना। स्टेट को बनाया जा सकता है क्या? जैसे हमारा इंडिया जो था पहले, उसमें नेशनलिज्म नहीं था, लेकिन कॉन्शियसनल जो कॉन्शियसनेस था उसको डेवलप करके हम स्टेट बना सकते हैं, है ना। कैन बी क्रिएटेड कॉन्शियसली, ठीक है ना। क्या स्टेट बिना सोवरेनिटी के एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं एग्जिस्ट कर सकता। कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट सोवरेनिटी, ठीक है ना। जस्ट इसका अपोजिट यहाँ पे हो रहा है, समझ में आ गया, नेशन में। अभी देखेंगे कैसे क्या होता है, बस अभी समझते चलो। यहाँ पे लोग, स्टेट के अंदर लोग कैसे बाइंड किया जाता है, लोगों को बाइंड करा जाता है, एक साथ कैसे रहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। इसमें यूनाइटेड बाई लॉज एंड रेगुलेशंस, ठीक है ना। वहीं पर जब मैं स्टेट की बात करता हूँ तो उसका मीनिंग है, मैं किसको रेफर कर रहा हूँ, तो भाई स्टेट की पहचान टेरिटरी से होती है, ठीक है ना। रिफर्स टू अ टेरिटरी, ठीक है ना। इतना चीज़ हमने यहाँ पे देख ली, अगर ये एलिमेंट है तो हम उसको स्टेट बोलेंगे। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ आपसे नेशन क्या होता है, नेशन का मतलब क्या है, तो नेशन में मैंने आपको क्या बताया, एक तरीके का एथनिक कंसेप्ट होता है, ठीक है ना। एथनिक कंसेप्ट है मतलब, यहाँ पे समझो कैसे बात कर रहा हूँ। चलो मानते हैं कि भाई ये है आपका, ये है पाकिस्तान और ये है अफगानिस्तान लगा हुआ है, समझ लगा। यहाँ पर कुछ ट्राइब्स रह रही हैं, ये पूरी ट्राइब्स रह रही हैं, ठीक, जिसको हम क्या बोल देते हैं, पश्तून बोलते हैं, जो पश्तून ट्राइब यहाँ पे रहती है, ठीक है ना। ये कौन है, ये पश्तून है, पश्तून ट्राइब, ठीक है ना। इनका रहन सहन एक साथ है, ठीक है ना। वो बात अलग है कि ये पाकिस्तान अलग कंट्री है, अफगानिस्तान अलग कंट्री है, कंट्री अलग है, लेकिन ये जो ट्राइब्स यहाँ पे रह रही हैं, इनका सोशल ओरिजिन सेम है, सोशल ओरिजिन वही है, इनकी लैंग्वेज वही है, समझ में आ गया, इनका कस्टम वही है, क्लियर है, इनका ट्रेडिशंस वही है, सेम है। मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि इनकी जो एथनिसिटी है सेम है, है ना। ये क्या है, इनका एथनिसिटी सेम हो गया, इनका एथनिसिटी सेम है, समझ में आ गया, सेम ओरिजिन है, सेम कस्टम ट्रेडिशन सब कुछ इनका सेम है, समझ में आ गया।
हम क्या बोलेंगे, ये एक नेशन हो गया, समझ में आ गया, ये एक नेशन है, ठीक है, ये एक नेशन है। तो नेशन का आधार क्या होता है, नेशन का आधार होता है आपका एथनिसिटी, समझा क्या, आप में बिलोंगिंगनेस होनी चाहिए। देखो स्टेट के अंदर, स्टेट के अंदर हो सकता है कि अलग अलग नेशन से मिल करके बना हुआ हो, है ना, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट वाले का अलग कस्टम ट्रेडिशन होता है, समझा क्या, वेस्ट वेस्ट वालों का भाई, जो हिली वाले हैं जैसे हिमाचल और ये वाले मान लो आप उत्तराखंड वाले, है ना, उनका कस्टम ट्रेडिशंस, उनकी एथनिसिटी अलग हो सकती है, ठीक है ना, ट्राइबल्स जो होते हैं उनकी एथनिसिटी अलग है सेंट्रल, तो इनको मिलकर के भी स्टेट बन सकता है, ये बात याद रखना, ठीक है ना। पर बताओ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस किस में होगी, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस कि हम सब एक साथ रहें, ये नेशन में होती है कि स्टेट में ज़्यादा होगी, बोलो जल्दी फटाक से, नेशन में, नेशन किसके आधार पर होता है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होती है इसमें, वो बात अलग है कि वो आप उसके लिए अगर कंट्री में वो बिलोंग कर ले, हो सकता है कि इनके लिए अलग कंट्री बन जाए, इनके लिए अलग कंट्री बन जाएगी तो वो क्या कहला जाएगी, नेशन स्टेट कहला जाएगी, मतलब वो स्टेट भी हो गई और नेशन भी हो गई, नेशन मतलब सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस भी है उसमें, जैसे जापान, जापान के अंदर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है और वो एक स्टेट भी है, तो वो स्टेट नेशन कहला जाएगा। अभी आएंगे वापस कि कितने तरीके के होते हैं, बट अभी आप समझो बेसिक से आगे बढ़ रहे हैं, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होती है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस किस में ज़्यादा होती है, जब आपकी कॉमन एथनिसिटी होगी, मतलब नेशन के कंसेप्ट में ही होगा, ठीक है ना। बताओ वहीं पर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, एथनिक कंसेप्ट इस पर लागू होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बताओ, इसमें इसके पास फिक्स टेरिटरी, यहाँ पे लिखा था स्टेट के लिए, इसके पास फिक्स टेरिटरी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, है ना, इनकी फिक्स टेरिटरी नेशन में कुछ भी नहीं बोला जा सकता, समझना कि डज, वैसे इसको लिख देते हम क्या, डज नॉट हैव फिक्स्ड टेरिटरी, है ना। फिक्स टेरिटरी क्यों नहीं है भाई, क्योंकि वो जो नेशन है, वो जो एथनिसिटी है, वो टाइम टू टाइम ज्योग्राफी के हिसाब से भी बढ़ती जाएगी, समझा क्या, चेंज होती जाएगी, उसकी कोई हम बाउंड्री नहीं बता सकते, है ना, कि भाई उनकी जो एथनिसिटी आज यहाँ इस रीजन में है तो भाई हो सकता है कल को और फैल गए और आइडिया प्रोपगेट हो रहा है और फैलता जा रहा है, तो उनकी टेरिटरी को हम बता नहीं सकते। वहीं पर स्टेट में क्या होता है, टेरिटरी फिक्स होती है, यहाँ पर टेरिटरी फिक्स नहीं होती, समझ में आ गया ना। अब बताओ यहाँ पर ये एक्सटर्नली ये आप समझते हैं, ये एक नेशन है, क्या ये एक्सटर्नली इन्फ्लुएंस हो सकता है, बोलो, पाकिस्तान उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, अफगानिस्तान भी उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है कि नहीं कर सकता है, कर सकता है ना, बिल्कुल कर सकता है, तो बोल भी सकता है, वो इन्फ्लुएंस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, समझ में आ गया ना। तो भाई कर सकते हो, पर आप तो इन्फ्लुएंस कर सकते हो, अब वो उसके ऊपर है, कई बार वो इन्फ्लुएंस हो भी जाते हैं और कई बार इन्फ्लुएंस नहीं भी होता है ना। तो मतलब यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, मे और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल। अभी यहाँ पे मैंने क्या बोला, जैसे स्टेट बहुत सारे, स्टेट क्या हो सकता है, बहुत सारे नेशन से मिलकर के बन सकता है ना। वैसे जैसे कि इंडिया एक स्टेट है, ये बहुत सारे, जैसे यहाँ पर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, नॉर्थ ईस्ट वालों को अपने आप में बिलोंगिंगनेस होती है, यहाँ की जो सेंट्रल इंडिया की ट्राइब है उनको अपने में सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, बट वो पूरे इंडिया के अंदर तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो मतलब क्या बोलो, स्टेट काहे से बन सकता है, मल्टीपल नेशन से मिलकर के बनता है। वैसे ही जो नेशन होता है, नेशन भी मल्टीपल स्टेट से मिलकर के बन सकता है। अभी एग्जांपल दे दिया मैंने आपको पश्तून वाला, ठीक है ना, नेशन क्या हो सकता है, मे बी मेड अप ऑफ सेवरल स्टेट्स, ठीक, ये भी बहुत सारे स्टेट्स के से मिलकर के बन सकता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, इसमें क्या होता है, इसकी फिक्स टेरिटरी नहीं होती है ना, डज नॉट हैव फिक्स्ड टेरिटरी। इसको आप कॉन्शियस डेवलप करके इसको बना सकते हो क्या, नेशन को हम ऐसे कॉन्शियस डेवलप करके नहीं बनते, ये ओवर द डिकेड, ओवर द सेंचुरी बिल्डअप होता है, ऐसे हम कॉन्शियसनेस इसमें डेवलप करके नेशन नहीं बना सकते, समझ में आ गया ना। तो इसमें वही बोल रहा हूँ, कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट
बी क्रिएटेड, कैसे? कॉन्शियसली, है ना, कॉन्शियस, आप कॉन्शियसनेस चेंज करके आप उसको नेशन को नहीं बना सकते भाई। ओवर द सेंचुरी इनकी, ओवर द थाउजेंड ऑफ ईयर्स ये डेवलप होती, ठीक है ना। ये इसको सोवरेन होना जरूरी है क्या? नहीं, ये बिना सोवरेन होकर के भी एग्जिस्ट कर सकता है, कैन एग्जिस्ट विदाउट सोवरेनिटी, ठीक, बिना सोवरेनिटी के भी ये एग्जिस्ट कर सकता है।